हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ। थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके है बट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी योग हम पढ़ते हैं, चाहे हम सुश्रुत संहिता में पढ़ें, चाहे चरक संहिता में पढ़ें, अष्टांग में पढ़ें, वैसे रत्नावली में पढ़ें, हमें कुछ मान होते हैं जो जिनमें हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन मान की, ये रत्ती क्या होती है, तोला क्या होता है, छटांग क्या होता है, ताकि हम प्रॉपर तरीके से जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे कि ये मात्रा कितनी मात्रा होती है जो आधुनिक माप है उसके अनुसार। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज इस नए टॉपिक के साथ, और वो हम टॉपिक लेते हैं आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मान। तो आपको प्रैक्टिस के हिसाब से भी ये ध्यान होना चाहिए, जरूरी है। आपको कंपटीशन के हिसाब से भी, एज ए स्टूडेंट भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप समझ पाए कि बेसिकली आयुर्वेदिक मान क्या चीज है। देखिए, जो सबसे छोटा मान आयुर्वेद में बताया गया है, जो सबसे छोटा मान बताया गया है, हालांकि उसके भी डिवाइडेशन है, लेकिन वहां से नीचे आपको प्रमाण आयुर्वेद में बहुत कम देखने को मिलता है या ना के बराबर मिलता है। तो सबसे छोटा, जहां से शुरुआत हम करते हैं, वो होता है ब्रीही प्रमाण। उसको आयुर्वेद में कहा गया है ब्रीही प्रमाण। ब्रीही का मतलब क्या होता है? ब्रीही का मतलब होता है चावल का दाना, राइट? यानी ब्रीही का मतलब एक चावल के बराबर होता है। तो ये ब्रीही प्रमाण हो गया। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपको मोटाई के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। आप कहीं कंफ्यूज मत हो जाइए कि जब आप त्वचा की लेयर पढ़ रहे हैं और आपको उसकी जो मोटाई है वो इसके बराबर, एक ब्रीही, दो ब्रीही, आधा ब्रीही, हम इसमें माप के हिसाब से बता रहे हैं। तो ब्रीही प्रमाण से हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली ब्रीही प्रमाण में भी कहा जाता है कि 8 खसखस के प्रमाण का होता है, लेकिन वो हमें उतना डीप जाने की जरूरत नहीं होती। ब्रीही प्रमाण से हम स्टार्ट करते हैं। 8 ब्रीही का एक रत्ती हो जाएगा। 8 ब्रीही यानी कि 8 ब्रीही आपने ली, 8 ब्रीही, 8 ब्रीही का एक रत्ती बन गया, ठीक है? तो एक रत्ती का मतलब कितना हो गया? एक रत्ती का मतलब हो गया 8 ब्रीही प्रमाण, ठीक है? अब वही उसको रत्ती को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 रत्ती अगर हम लेंगे तो 8 रत्ती से बनेगा एक माशा। 8 रत्ती से एक माशा बन गया। इनको हम आधुनिक प्रमाण में भी समझाएंगे आगे जा करके। 8 रत्ती से क्या बनेगा? एक माशा बनेगा। और वही अगर हमने 10 माशा प्रमाण ले लिया, 10 माशा हमने ले लिया, तो उसका बन गया एक आना। ये माप है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 10 माशा का कितना बन गया? एक आना, ठीक है? और वही अगर हम 12 माशा ले लेते हैं तो 12 माशा का बन जाता है एक 12 माशा, यानी कि 10 माशा का एक आना हो गया, और 12 माशा अगर हमने लिया तो 12 माशा का हो गया एक तोला। यानी कि एक तोले में कितने हुए? 12 माशा। तो 12 माशा का एक तोला, और एक तोला में अगर आप आना में कन्वर्ट करें इसको, तो आना कितने होंगे? 16 आना, राइट? तो 16 आना का मतलब क्या हुआ? कोई कहता है 16 आना बात सही है। तो ये आना अगर लें तो 16 आना का एक तोला होता है। 16 आना का एक तोला हो गया और 12 माशा का एक तोला हो गया, ठीक है? 8 रत्ती का एक मासा, 12 माशा का एक तोला, क्लियर? उसके बाद में हमने लिए 5 तोला। तो अगर हम लेते हैं 5 तोला, तो 5 तोला से हमारा बन जाता है एक छटांक। 5 तोला से एक छटांक बन गया। और अब हम लेंगे इसी को 4 छटांक। इसी को अब हम आगे इस साइड ले लेते हैं ताकि हमें देखने में इजी रहे। इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से हम लिख देते हैं, 4 छटांक। तो 4 छटांक हमने ली, 4 छटांक, राइट? 4 छटांक का बन गया एक पाव। 4 छटांक कितने का हो गया?
चार से आठ हो गया एक पाव, राइट। और चार पाव अगर ले लेते हैं हम, तो चार पाव का बन गया एक शेर, ये सड़क वाला शेर, एक शेर बन गया। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि एक शेर और 1 किलो ये बराबर नहीं होता है। एक शेर के अंदर 933 ग्राम होते हैं। अगर आधुनिक मान की हम बात करें तो एक शेर के अंदर कितने ग्राम होंगे, 933 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक पाव का मतलब 250 ग्राम नहीं हुआ। एक पाव भी लगभग, इसको आप चार से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पाव आ जाएगा, यानी कि 232 ग्राम के आसपास बैठता है। तो एक पाव जो है, चार पाव से एक शेर हो गया, और एक शेर का मतलब 1 किलोग्राम नहीं, 1 केजी नहीं, एक शेर का मतलब 933 केजी, राइट। और अगर पांच शेर लेते हैं हम, पांच शेर से बन गया एक पंसेली। कुछ लोग धड़ी भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको पंसेरी भी बोल देते हैं। पांच शेर से कितना बन गया, एक पंसेली। और अगर आठ शेर ले लिया तो आठ शेर से बन गया एक मण। आठ शेर का सॉरी आठ आठ पंसेरी का, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं हम, आठ पंसेरी का यानी कि 40 शेर हो गया। आठ पंसेरी का मतलब 40 शेर से हो गया, ठीक है। तो 40 शेर का या आठ पंसेरी का हो गया एक मन, और अढ़ाई मन का हो जाता है 1 क्विंटल, ठीक है, यानी कि 100 किलो, और ये हो गया 40 किलो। वैसे 40 शेर अगर हम बात करें तो 40 शेर हो गए। ये प्रमाण है, जो प्रमाण हमें हर जगह पे काम में आते रहते हैं, चाहे हम किसी को दवा की मात्रा अगर हम देखते हैं तो उसको दवा की मात्रा उसको 1 माशा मात्रा में देना चाहिए या 1 तोला मात्रा में देना चाहिए। तो आप ग्राम के अकॉर्डिंग भी इनको डिवाइड कर सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको मुझे इतनी मात्रा में ये देना चाहिए। तो ये मान हमें हर जगह काम आते हैं। एक हम चरक भी पढ़ते हैं तो उसमें आढ़क भी हमें आता है, एक आढ़क। तो एक आढ़क क्या है कि लगभग 3 किलोग्राम के आसपास का वजन एक आढ़क में बैठता है। यानी कि आढ़क क्या है कि पहले एक पात्र हुआ करता था, लकड़ी का पात्र था, और उस लकड़ी के पात्र को उसका एक फिक्स माप था, उस पात्र को भरना होता था। तो वो एक आढ़क, एक पात्र के में जितना आता था वो एक आढ़क माना जाता था, और उसका जो वजन है वो लगभग 3 किलोग्राम के आसपास, आधुनिक रूप में देखते हैं तो 3 किलोग्राम के आसपास उसका वजन नॉर्मली बैठता है। तो ये जो है वो हमारा मान है, जिसको सिर्फ आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करें, इसको आप जनरल प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब आप योग पढ़ रहे हैं तो उनकी मात्राओं के ध्यान रखने के रूप में आप इसको निश्चित रूप से एक बार याद करें। थैंक यू।